तितली कल्याणी छानिया समुद्र मध्यरे अति भीषण बात्यार रूप नहीं सारी तितली एवं ओडिशा आंध्र उपकूल मुहां आसंता का सका 5:30 यह गोपालपुर और कलिंगपट्टनम मध्यरे लैंडफल करिवार संभावना रहुचे। अपराह्न सुधा पानीपाग विभाग जारी करिथिबा बुलेटिन अनुजाई तितली एवं गोपालपुर ठारु दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे 230 किलोमीटर और कलिंगपट्टनम ठारु 190 किलोमीटर दूर रे अछि। वर्तमान समुद्र मध्यरे तार घंटा प्रति बेग रही 18 किलोमीटर। सका 5:30 गोपालपुर एवं आंध्र प्रदेश कलिंगपट्टनम मध्यरे स्थलभाग छुईवा संभावना रही। गत 24 घंटे 3 स्थिति को रूपांतरित होइछि तितली। डीप डिप्रेशन रु साइक्लोनिक स्टॉर्म एवं तापरे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नहीं सारी तितली। तितली वर्तमान कैटेगरी 1 तूफान पाखापाखी बेले लैंडफॉल बेले पवनर वेग घंटा प्रति अति बेसी 165 किलोमीटर रही पारे। जदि ताठारु बढ़ला तेज कैटेगरी 2 तूफान को रूपांतरित हो संभावना रहुछि। गोपालपुर कलिंगपट्टनम का बीच में कल मॉर्निंग में लैंडफॉल होने का संभावना है, क्रॉस करने का संभावना है। क्रॉस करने के बाद इसका रिकर्व होगा एलम अक्रॉस उड़ीसा कोस्ट जा करके वेस्ट बंगाल का तरफ जाएगा, बट ग्रेजुअली वीकेंड भी हो जाएगा। इसका प्रभाव में आज मिडनाइट से कल तक कल नून तक इसका साउथ कोस्टल उड़ीसा में 140 to 150 किलोमीटर पर आवर गास्टिंग टू 165 किलोमीटर पर आवर तक विंड गास्ट गेल विंड्स होने का संभावना है। नॉर्थ कोस्टल में 70 to 80 किलोमीटर पर आवर एंड गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर तक जाने का संभावना है। बुधवार दिन 11:30 अति भीषण बात्यार रूप नहीं सारी तितली, जहाँ गुरुवार सका 5:30 जाए बलबत्तर रहिबो। तेबे लैंडफॉल परे पवनर बेग 100 किलोमीटर को कमी जिबो। बेसी समय स्थलभाग न रही ता बुली जिवार संभावना रहुछि। पश्चिमबंग देई बांग्लादेश आड़क यह चली जिवार यथेष्ट संभावना रहुछि। गुरुवार राति 11:30 पुणी बात्या स्थिति को फेरी जिबो। शुक्रवार दिन 11:30 भीषण अवपातर रूप नेब और राति 11:30 पुणी अवपात को फेरी जिबो। भीषण अवपात और अवपात समय रे राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। तितली क्रमश घनीभूत होबार लागिछे एवं या घनीभूत होइकि आज 11:30 समय रे गोटे भेरी सीभीयर साइक्लोनिक स्टॉर्म अति प्रबल बात्यारे परिणत होइछि। यार वर्तमान पवन बेग रहिछि 130 to 140 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गस्टिनेस रे 155 किलोमीटर प्रति घंटा। आमे आशा करछु ये अरे अधिक घनीभूत हेबो एवं धीरे धीरे आज संध्या बेलकु यार पवन बेग 140 to 150 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गस्टिनेस रे 165 किलोमीटर प्रति घंटा ही पारे। जो समय क्रॉस करे सही समय पवन स्पीडटा अधिक रहिबो से जो एरिया देखि जीव सेठी पवन पड़े जो थेचेड हाउस रहिला इलेक्ट्रिक पोल रहिला विभिन्न प्रकार जो रहुछि तार अपरूटिंग हो पारे बा घर भुशुड़ी पड़ पारे से रहुछि। आउ प्रबल वर्षा रहिले फ्लडिंग भी संभावना रहुछि। तितली प्रभाव रे दक्षिण ओडिशा उपकूल ओडिशा एवं आभ्यंतरण ओडिशा रो किछ स्थान रे वर्षा आरंभ हो जाइछि। गुरुवार प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो आ शुक्रवार बेलकु वर्षार परिमाण कमी जिवो। भुवनेश्वर रु नीरज पटनायक ओ नुआ दिल्ली रु सबनमादेनी को सह ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7।